पूरे देश के मजदूर मेहनत करने वाले लोगों पर संकट है लोग, लेकिन एक बात यह भूल रहे हैं कि अब भूख जो है ना, पेट की भूख अगर दिमाग पर चढ़ जाता है तो बड़े बड़े को ध्वस्त कर दिया है, पूरे समाज को जलाकर खाक कर दिया है। इनका क्या औकात है कि इन मजदूरों को हरा देंगे? इस कंपनी का जनरल मैनेजर जो विपणन है, हाँ, मार्केटिंग वाला, हाँ, उसका बयान आया है, हाँ, कि अब मंदी अभी जारी रहेगा, हाँ, और उसी में बयान है कि 11% बाइक का कीमत भी बढ़ा दिया, हाँ, 11% यानी एक बाइक पर 7,000 कीमत भी बढ़ाए गए हैं, हाँ, कल के अखबारों का यह रिपोर्ट है, हाँ, यह मंदी जारी रहेगा इसके लिए हम मजदूर जवाबदेह है क्या? या कीमत जो बढ़ रही है उससे मुनाफा उनका घटेगा कि कंपनसेट होगा? या सारी बातें, मंदी तो एक बहानाबाजी है, सबसे बड़ी बात है कि भारत में अगर उनको कारखाना चलाना है तो भारत के कानून के मुताबिक वह काम करेगा कि नहीं? आज अगर कारखाना के बंदी का नोटिस लगा है तो यह गैरकानूनी बंदी है, उसको तो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, जेल के भीतर होना चाहिए, क्योंकि 300 से ज्यादा मजदूर यहाँ काम करते हैं। 300 तक का तो कानून मोदी जी ने बना दिया कि 300 के नीचे का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा छटनी बंदी के लिए, लेकिन 300 से ऊपर मजदूर आप देख रहे हैं, 2,000 परमानेंट और 2,500 जो कैजुअल या टेम्पोररी मजदूर है, तो 4,500 मजदूरों का यह कारखाना है। और इस कारखाने को अगर गैरकानूनी ढंग से बंद कर दिया गया है तो उसको तो जेल की सजा होनी चाहिए भारत के कानून के मुताबिक, लेकिन हमारा यहाँ बैठा हुआ खट्टर की सरकार, जिनकी उल्टी गिनती शुरू है, पहले अब बैसाखी पर चल रहे हैं, यह स्थिति पैदा किया है। मजदूर को याद है, ठीक हमारे साथी बोल रहे थे, 2005 में तो यूनियन भी बनाने देना नहीं चाहता था, यहाँ पर खून गिरा था मजदूरों का, और वह खून का सना हुआ कपड़ा देश के संसद के भीतर भी गुरदास दास गुप्ता ने लहराया था और मजबूर कर दिया था देश के हुकूमत को यहाँ यूनियन बनाने के लिए। आज फिर वही मैनेजमेंट साजिश कर रही है इस मंदी के नाम पर हमारी ताकत को, एकता को तोड़ने के लिए। अगर मंदी है, बैठो यूनियन के साथ बैठ के बात करो, कितना तुम्हारा सेल घट रहा है, कितना तुम्हारा नुकसान हो रहा है, कितना मैन पावर ज्यादा हो रहा है, बैठ के तो बात करो, भाग क्यों रहे हो? भागे चल रहा है, यूनियन से ढंग से वार्ता नहीं हो रही है, हमारी यूनियन रिकॉग्नाइज यूनियन है। लोगों निकाला गया है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं खर्चा पानी, बच्चों की फीस, इस घर का खर्चा? एक बात जान लीजिए, यह जो मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ पूरे न सिर्फ गुड़गांव, पूरे देश के मजदूर, यहाँ तक कि होंडा कंपनी में जो दूसरे जगह देश में है वहाँ के मजदूर भी इनको, इनके साथ खड़ा है, इनके सहयोग में खड़ा है। और दूसरे जगह हमको खबर मिली है कि होंडा के दूसरे कारखानों के भी मजदूर इनके समर्थन में नारा लगा रहे हैं, दूसरे उद्योग के मजदूर इनके समर्थन में खड़ा है। इस तरह की खबरें केवल होंडा की बात नहीं है, देशी तमाम कंपनियों में इस तरह की खबरें सामने आ रही है जो निकाला जा रहा है, तो जो स्थिति पैदा हो रखी है उसको आप कैसे? इसको इस रूप में देख रहे हैं हम कि एक तरफ आप महसूस कर रहे हैं कि मजदूर निकाले जा रहे हैं, नोटबंदी के बारे में आज तक इस सरकार ने गलती स्वीकार नहीं किया कि गलत किया था, उसमें भी लाखों लोग निकाले गए, नौकरी से बेरोजगार हो गए। आज मंदी से पूरा देश तबाह है इसलिए कि देश की अर्थनीतियां गलत रास्ते पर ले जाई जा रही है, देश को कॉरपोरेट के हाथ बेचा जा रहा है, इसके चलते महामंदी का दौर है। मजदूरों को वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, बाजार में सामान नहीं खरीद पाते हैं, उसके चलते मंदी है, मंदी सरकार की नीतियों के कारण है। और उस मंदी का प्रभाव जो पड़ रहा है, आज भी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब स्वीकार तुम नहीं करते हो मंदी है, तो भारत पेट्रोलियम को और जो एयर इंडिया को बेचने की तैयार? मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे देश के नासिर अभी तक देश के 6 एयरपोर्ट अदानी को बेच दिया और 6/12 एयरपोर्ट यानी 6 और एयरपोर्ट को बेचने के लिए अभी नोटिस निकल रहा है, पूरे देश को बेचने की तैयारी हो रही है। और देश बेचने के क्रम में ही यह स्थिति पैदा देश का हो रहा है, यहाँ मजदूरों की छटनी हो रही है। सिंपल डिमांड है जी
कि तमाम लोगों को काम पर लो, काम चालू करो। अगर तुमको मंदी के चलते प्रॉब्लम है, बैठ कर बात करो। हम बात करने के लिए मजदूर पीछे नहीं हटेगा, हम हर चीज से सहयोग करने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार है, सहयोग करने के लिए, लेकिन तरीके से कानून सम्मत होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता सिर्फ जापान की कंपनी की प्राथमिकता नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक को जीने का हक है, नौकरी करने का हक है, मेहनत करने का हक है, उस अधिकार के रक्षा का सवाल है। इसलिए जिंदगी की लड़ाई है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और जिएंगे। आपसे इसीलिए सवाल है क्योंकि आपका जो तजुर्बा है उसी से मेरा सवाल है। जो मंदी को लेकर जो कहा जा रहा है, जो स्थिति पैदा हुई है, तो इस संकट को क्या आपने पहले भी इस तरह महसूस किया या पहली बार आप देख रहे हैं? यह मंदी का संकट भारत सरकार द्वारा क्रिएट किया गया है, भारत सरकार द्वारा इस रूप में क्रिएट किया गया कि इस मंदी का इंग्रेडिएंट्स नोटबंदी से शुरू होता है। हमारे देश के बैंकों का पैसा लाखों करोड़, लगभग 9 लाख करोड़ रुपया देश के विदेशी और देशी कॉरपोरेट को मुफ्त में छोड़ दिया गया। बैंकों के पैसा लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, बाजार में पैसे नहीं है, बेरोजगारी हो गई है बड़े पैमाने पर, लोगों के खरीदने की क्षमता नहीं है, बिस्किट नहीं बिक रहा है पार्ले कंपनी का। यह कौन स्थिति पैदा किया? यह मोदी की नीतियों के चलते पैदा हुआ है। 4 साल हो गए यहाँ किसी का एक पैसा नहीं बढ़ा है, ना कैजुअल का है, ना 4 साल से किसी का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, किसी का कुछ पैसा बढ़ा है। और यहाँ ओनली मैनेजमेंट किसी का 20,000 पर ईयर, अप्रैल में 20,000 अप हो रहा है। कोई सीनियर मैनेजर बन रहा है उसको 12.5 लाख की होंडा सिटी मिल रही है, वो आराम से आ रहा है। 15,000 ड्राइवर का मिल रहा है, 20,000 पेट्रोल का मिल रहा है। यहाँ मजदूर को मजबूर हो रहा है, मजबूर करा जा रहा है, बिल्कुल बहुत भारी शोषण हो रहा है। ना कि ना सरकार हमें समर्थन कर रही है, कोई सरकार यहाँ कोई इंडिविजुअल आया है, विपक्ष के लीडर आए हैं यहाँ के, बात भी करी है, लेकिन सरकार का कोई इसमें यह नहीं है बीच में आके हम बात कर ले। यहाँ एक मैनेजर कहता है यहाँ वर्करों की जरूरत नहीं है, इनकी भी जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट की फिर तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट में एक टाइम था, आज से 4 साल पहले एक एग्जीक्यूटिव, एक AM, एक DM होता था, आज 3-3 DM है, 3-3 AM है, 6-6 एग्जीक्यूटिव है, वो कहाँ से आ रहा है? उनके लिए पैसा कहाँ से दे रहे हैं? इन मजदूरों का ही पैसा भारी पड़ रहा है क्या? 2,500 मजदूरों के पेट पे लात मार के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो इनको सद्बुद्धि दे भगवान, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन मजदूर इतना मजबूर मत करो कि मारुति वाला कांड हो जाए यहाँ पे। इतना मजबूर मत करो मैनेजमेंट हमें कि मारुति वाला हादसा यहाँ पे दोहराने की कोशिश करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही प्यार से एक अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ये बार बार मजबूर कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं मैनेजमेंट वाले, 2 दिन की स्टे है, फिर हम बंद कर देंगे, प्रशासन से खाली करवाएंगे। तो ये सरासर शोषण हो रहा है, मीडिया यहाँ पे इतनी नहीं पहुँची है, ना ही हमारी बातें आगे जाते हैं। देश का पूरा मीडिया मोदी गोदी मीडिया है, सारा देश जान गया है और मजदूर भी जान गए हैं। वह मीडिया के घराने के लोग जो एंकर लोग हैं उनको कॉर्पोरेट की चाकरी करने, कॉर्पोरेट के सुपतल्ला, समझते हैं ना, जूता के नीचे रहने वाला सुपतल्ला जैसा भूमिका अदा कर रहा है यहाँ का मीडिया, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम वो भी निंदा करते हैं कि मीडिया को यह जो स्थिति है मजदूरों की, 15 दिन से पिछले 5 तारीख से ये लोग लगातार भूखे प्यासे यहाँ बैठा हुआ है, कोई भी नेशनल चैनल पर बहस नहीं हो रही है। एक मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से हमारे देश के कानून को तोड़ रहा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ के मजदूरों का जीना हराम कर रहा है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। यहाँ तक कि कानून सम्मत, हम बिल्कुल ठीक कहा आचार्यों ने, हम तो बार बार आमंत्रित करते हैं, आओ सामने डायलॉग करो, कितना तुम मुनाफा बीच में कमाए हो। मंदी में तो कीमत घटती है ना हर सामानों का, जब नहीं बिकता है तब कीमत बढ़ा कह रहे हो भाई? हम तो बोले ना कि 14 तारीख का बयान है इसके जनरल मैनेजर का कि 11% हम बाइक का रेट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह मीडिया को कम से कम थोड़ा भी शर्म आना चाहिए।